एक बार फिर योग गुरु बाबा रामदेव खबरों में है, लेकिन इस बार उन्होंने रोग से मुक्ति या कोई योग को लेकर टिप्स नहीं दिया है, और इस बार वो एक सलाह यानी एक टिप्पणी को लेकर खबरों में है जो उन्होंने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को लेकर दी है। रामदेव ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वोटिंग के अधिकार छीनने और सरकारी नौकरी से वंचित करने का सुझाव दिया है, लेकिन ऐसा सुझाव देश के कई नेताओं को राजनीति करने का मौका दे देती है। मैं जैसे ही बाबा की सलाह खबरों में चलने लगी तो आ गए ओवैसी साहब और कर दिया पलटवार। सबको ही दो बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुंजाइश नहीं रही अपने खे अभी। हाँ, दो से ज्यादा जो बच्चे पैदा करे उसके वोटिंग राइट खत्म कर लो, उसको इलेक्शन में चुनाव लड़ने की अनुमति मत दो, उसको जो है सरकारी स्कूल में सरकारी हॉस्पिटल में उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मत दो, सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज मत कराओ और सरकारी नौकरी मत दो। ये काम हो जाए तो जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा, कोई पैदा करे वो हिंदू हो मुसलमान हो गरीब हो अमीर हो। वर्ल्ड पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के बारे में तो इनको चाहिए कि जो विद्वान लोग हैं उनसे बैठकर बात करके थोड़ा ज्ञान हासिल कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आप नाक से कैसा सांस छोड़ना, पेट कैसा हिलाना, सर नीचे पैर ऊपर करने से आप में इंटेलेक्चुअल काबिलियत नहीं पैदा हो जाती। हो सकती है, हम इनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, हमारा 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र का है, 75% पॉपुलेशन 36 साल के नीचे का है, और ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड हमारे पास है ये 2030 तक रहने वाला है, और सारी दुनिया इस डिविडेंड पर पॉपुलेशन डिविडेंड पर रश कर रही है, हसद कर रही है कि भाई इतना यंग कंट्री है। तो हम इन बाबा लोग से पूछना चाह रहे जो सर नीचे टांग ऊपर और पेट हिलाते हैं, नाक से सांस छोड़ना दुनिया को सिखाते हैं, भाई नौकरी तो दिला दी। वैसे तो हर दिन यानी सप्ताह का हर बार